अफ्रीका के छोटे से मुल्क नाइजर में उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपीय देश इससे चिंता में आ गए हैं। दरअसल नाइजर में तख्ता पलट से अफ्रीका में अमेरिका फ्रांस का दबदबा खत्म हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे पुतिन का हाथ है? ऐसा क्यों, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। अफ्रीका देश नाइजर में 26 जुलाई को हुए तख्ता पलट के बाद से ही हालात काफी गंभीर हैं। अफ्रीकी देश नाइजर में जब तख्ता पलट हुआ तो सेना ने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मंजोम को उनके घर में ही बंदी बना लिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के दूतावास पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने धावा बोल दिया और फ्रांस का झंडा भी जला दिया गया। लेकिन इस बीच एक बात बेहद ही हैरान करने वाली थी और वो ये कि जगह जगह रूसी झंडे लेकर फ्रांस इटली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिमी देशों को उनका देश छोड़ने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि नाइजर की चुनी हुई सरकार अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों की बेहद ही करीबी थी। लेकिन जब भीड़ के हाथों में रूस का झंडा दिखा तो सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नाइजर में हुए तख्ता पलट के पीछे पुतिन का हाथ है, क्योंकि इस पूरे तख्ता पलट के दौरान रूस के वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन जश्न मना रहे थे और उन्होंने मौजूदा हालातों का ठीकरा उपनिवेशवादी विरासत के ऊपर मढ़ा है। यही नहीं, प्रिगोजिन ने नाइजर के नए तानाशाह की तारीफ करते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैगनर लड़ाकों की सर्विस भी ऑफर की है। पश्चिमी अफ्रीका में ये पांचवा तख्ता पलट है और पश्चिमी देशों के लिए ये एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि पश्चिमी देश इस इलाके में इस्लामी चरमपंथियों पर लगाम रखना चाहते थे। इसके अलावा पश्चिमी अफ्रीका में अमेरिका सहित कई देशों के सैन्य अड्डे भी हैं। आपको बता दें कि नाइजर में अमेरिका के करीब 3 अड्डे हैं और इनमें करीब 1100 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। नाइजर के अलावा अफ्रीका के कई देशों में पश्चिमी देशों का काफी प्रभाव है और पुतिन का अगला टारगेट यही देश है जहां से वो पश्चिमी देशों को बाहर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि नाइजर में राष्ट्रपति मोहम्मद बंजोम की सरकार थी, लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुर्रहमाने फियाची ने 26 जुलाई को उन्हें सत्ता से हटाकर खुद गद्दी कब्जा ली थी। वहीं पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह इकोवाज ने निंदा करते हुए एक हफ्ते में यथास्थिति बहाल करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा ना करने पर वो अपनी ओर से कार्रवाई करेगा। वहीं नाइजर लोगों का आरोप है कि फ्रांस से आज़ादी तो मिली लेकिन फिर भी अहम कंपनियों और ज़मीनों पर नियंत्रण बनाए रखा। नाइजर की सरकारें भी फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों की मनमानी के आगे कुछ कर नहीं पा रही थी, इसीलिए तख्ता पलट बेहद ज़रूरी हो गया था। लोगों का मानना है कि रूस ने बिना देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए उनके देश का हमेशा समर्थन किया है, लेकिन इससे रूस और अमेरिका की तनातनी बढ़ सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइए। नमस्कार।